हाय बच्चों, बहुत 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 देर बाद मैं इस चैनल पे आई हूँ. एंड यू नो व्हाट आई रियली लव अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं बहुत कैंडिडली बोलूँ, मेरे अंदर एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म होता है बहुत चीज़ों को लेकर लाइफ में. आई गेट सो एक्साइटेड अबाउट सो मच, आई वॉन्ट टू डू सो मच. पिछले 1.5 सालों से बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स ट्रांसफरेबल जॉब मैं बुंदेलखंड में थी. बुंदेलखंड चंदेला और बुंदेला डायनेस्टीज का गढ़ था मेडिवियल इंडिया में. मैंने यहाँ पर बहुत चीज़ें देखी, बहुत पढ़ा. और जितना ज़्यादा मैं इंडिया के बारे में पढ़ रही हूँ, मैं जाकर चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ और देख रही हूँ, उतना ज़्यादा मैं हम्बल हो रही हूँ. यानी कि मुझे लग रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है. मेरा आप लोगों से आज एक सवाल है, अगर अपने रीति रिवाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, एक ऐसा देश, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसा धर्म जो इंडिया में सबसे पुराना है, जो इस दुनिया में सबसे पुराना है, अगर उसके बारे में हमें खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई भी हमारा बेवकूफ बना सकता है. तो हमें वो प्राइड कहाँ से होगी? मैं हमेशा सोचती हूँ क्यों इंडिया से इतना ब्रेन ड्रेन होता है. क्यों लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी हो कि हम इतने पीछे क्यों रह गए? कहाँ गलतियाँ हैं? क्यों हमें अब काफ़ी लोगों को अभी तक अपने देश के ऊपर वो प्राइड फील नहीं होती जो होनी चाहिए? वो शायद इसीलिए कि शायद हमें स्कूल कॉलेज में किसी ने पढ़ाया ही नहीं. शायद हमारे मम्मी पापा उस टाइम में थे कि वो एक ऐसी मेहनत करने में, जॉब्स में, करियर में इतने बिजी थे कि शायद उनके पास टाइम नहीं था कि वो हमें अपने ही कल्चर, सिविलाइजेशन और धर्म के बारे में बता सके. तो जितना मैं पढ़ रही हूँ और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मुझे लगता है ज़रूर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए ताकि हम एक न्यू एज इंडिया विद द प्राइड ऑफ आर कल्चर एंड सिविलाइजेशन के साथ आगे बढ़ सकें. तो अब आपको नए वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर मैं प्राचीन भारत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने आर्किटेक्चर के बारे में, हमारे मंदिरों के बारे में, हमारे आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर के बारे में बातें करूंगी आपसे. आई होप जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे हमेशा दिया है, आप उतना ही प्यार, सपोर्ट मुझे देते रहोगे ताकि हम मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें. Take care and lots of love always and every time. God bless you. Stay tuned.